नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हिमांशु, आप अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। बात करते हैं यूपी राजद से लेखपाल भर्ती की। तो मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे थे, कुछ अहम मुद्दों पे आज चर्चा होने वाली है। सबसे पहला तो मुद्दा है कि जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर गलत हो गया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि आपका रिजल्ट संभवतः बहुत जल्दी आने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद कोर्ट केस के बारे में भी बात करेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को अंत तक देखा करें। तो सबसे पहली बात है कि देखो, कुछ बच्चों के हमारे पास जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनके कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर, मेरा जब मैंने एग्जाम हॉल में दिया और मैं सीट फिल कर रहा था, तो मेरा रोल नंबर गलत हो गया, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया, किसी कुछ गलत हो गया, तो सर अब मैं क्या करूँ। बोलते कि मेरे सर एग्ज़ाम अच्छे गए हैं, मेरा पेपर अच्छा गया है, लेकिन बस वही है कि ये दिक्कत हो चुकी, क्या उनका रिजल्ट रोका जाएगा या कुछ रोका जाएगा। तो मैं एक देखो बता दूँ, इनमें दो कंडीशन होती हैं। देखो, आपके पास रोल नंबर भी दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन भी नंबर दिया जाता है। तो बच्चा, अगर आपका रोल नंबर में कोई ऐसा अंक है जो गलत हो गया या फिर उसका मिस मतलब कोई गलत गोला भर गया है कुछ भी, तो आपका अगर मैच नहीं होता तब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दो इसलिए दिए जाते हैं कि एक ना एक से आपको सही जानकारी मिल जाएगी। यानी कि जो OMR मशीन होती है, कंप्यूटर होता है, वो आपकी कहीं ना कहीं से जानकारी मैच कर लेगा। तो ऐसे इशू होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर गलत हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जहाँ पर गलत अगर रोल नंबर गलत हुआ तो रजिस्ट्रेशन नंबर से मैच कर लेगा, बाकी नंबर तो मिल रहे होंगे ना, रजिस्ट्रेशन नंबर से देख लेगा ये बच्चा सही है या ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी इसका डाटा है, वो सही है या गलत है, ठीक है। दूसरी बात, तो अगर उसके रजिस्ट्रेशन में नंबर में गलती हुई है तो देखो ऐसा है कि उसको रोल नंबर से देख लिया जाएगा, मैच कर लिया जाएगा ये बच्चा वही है या नहीं है, ठीक है, और उसका सारी चीज़ें डाटा मैच कर लिया जाएगा। तो इसमें कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा भाई, देखो ऐसा है कि आपकी फ्यूचर का सवाल होता है, जब भी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप किया करें तो बहुत आराम से तसल्ली से देख के किया करें। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो नंबर दिए वो रो दिए जाते हैं, उनमें पहले पूरा अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन वाले रो में रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लिया जाए। उसके बाद जो गोले फिल करने हो तो पहले उन पर जरा सा पॉइंट रख लो, पॉइंट रख लो, उसी उसी जो नंबर पे है उसी उसी गोले पे पॉइंट रख लो, उसके बाद फिल करते रहो, तो आपकी गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात है, देखो बच्चा क्या होता है कि उन्होंने वार्डनर मना कर रखा है कि वार्डनर आपको यूज़ नहीं करना या ना ब्लेड नहीं चलाना कुछ, फिर भी किसी कारणों बस आपका हो सकता है कहीं पर दिमाग हो आपका गलत हो गया, तो देखो एक बात करेंगे कि अगर कोई रोल नंबर का रो गलत हो गया तो उस जो कॉलम है ना उसको आप ओनली क्रॉस मार दीजिए, फिल हो चुका है उसको ओनली क्रॉस मार दीजिए नॉर्मली, और उसका जो सही वाला है उस पर आप गोला कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपका जो क्रॉस वाला है वो कंप्यूटर उसको चेक नहीं करेगा, ठीक है, कोई वार्डनर का यूज़ नहीं करने देते, ना ही ब्लेड का यूज़ करने देते हैं। तो आपको क्या करना है, गलत होगी तो उसको ओनली सिंपली एक क्रॉस मार देंगे और आपका जो सही वाला है उसको फिल कर देंगे। ये तो बात थी कि रोल नंबर वाली बात है। अब बात करते हैं कि जो बोल रहे थे कि आपको कैसे पता है, जब आयोग बहुत घोषणा कर दी है कि दिसंबर में इसका रिजल्ट आएगा, तो एक चीज मैं बताऊं, आयोग तो बहुत कुछ घोषणा कर देता है, ठीक है, आयोग तो बहुत कुछ घोषणा, लेकिन जब उसके ऊपर प्रेशर होता है, जब उसको लगता है कि भर्ती फंसने वाली, कुछ तक कुछ गड़बड़, तो वो बहुत काम हड़बड़ी में भी करना स्टार्ट कर देता है। ये बात आपको पता है, उसको पता है कि उसके कारनामे या फिर बहुत सारी चीजें पता मत पकड़ने वाली हैं, बच्चे इतने धांधली करते हुए पकड़े गए हैं, ये आपको पता है। तो जब इतनी सारी तो वो कोशिश करते हैं, सरकार या आयोग वाले कमीशन कोशिश करते कि इस चीज को, ये जो केस है या फिर ये भर्ती है, जल्दी जल्दी से जल्दी निपटा दिया, क्योंकि एक बार अगर भर्ती कंप्लीट हो जाती है तो बच्चे देखो होने को तो सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट इतना पावरफुल है, वो भर्ती ज्वाइनिंग होने के बावजूद भी उस चीज को दोबारा रीएग्जाम करवा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि आजकल क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट वो इतने अच्छे फैसले नहीं दे पा रहे हैं जितना उनको देना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में ही जाते हुए दिखते हैं। तो इस पर क्या है कि आप जितना से जल्दी से ज्यादा हो अभी कोशिश करो। देखो मेरा मतलब, मैं बता दूं, मेरा मतलब किसी भर्ती को फंसाना नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर अभी आप लोग आवाज़ उठाएंगे ट्विटर के माध्यम से, किसी के अन्य माध्यम से आवाज़ उठाएंगे, तो हो सकता है जो आपकी गलती, जो आयोग गड़बड़ी करने की सोच रहा है उसमें काफ़ी परसेंटेज कम हो जाए। 1-2% तो हर भर्ती में होती ही गड़बड़ी, लेकिन जो बड़े लेवल पे जैसे कि UPSI में हुआ और पिछली वैकेंसी में आयो होता रहा, और आपको तो पता ही UP SSSC में ऐसी कितनी वैकेंसी हैं जो एग्ज़ाम लीक हुए हैं, एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई हैं और दोबारा री एग्ज़ाम हुए, चाहे फिर वो UP SSSC Lower 2 का हो, चाहे वीडियोज़ का हो, चाहे कुछ हो, वो बहुत सारी ऐसी अनियमितता पाई गई हैं। तो देखो आपको पता है, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तो थी आप,
तो ये है कि देखो रिजल्ट वो इसीलिए, अगर रिजल्ट उनको लेट करना हो तो ऐसे तो उन्होंने आंसर की भी कहा था कि एक महीने बाद हम, एक महीने के अंदर जारी करेंगे या एक महीने बाद जारी, लेकिन उसने देखो आंसर कितनी हड़बड़ी में दूसरे से तीसरे दिन ही आंसर की आपको जारी कर दी, ये भी क्या हुई ना हड़बड़ी तो हुई ना। तो ऐसे वो बच्चा हड़बड़ी करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आप रिजल्ट को भी वो जल्दी दे, और मैंने आपको बता दिया मेरिट इतनी हाई जा रही है, देखो मैंने बताया था मुझे अंदर के सूत्रों से पता चला कि भाई मेरिट काफ़ी हाई जाने वाली है। तो अब आप ये मत कहना बाद में कि अगर आप अभी साइलेंट बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे तो आप बाद में ये मत कहना कि ये, और प्लीज़ उल्टे सीधे मुझे कमेंट मत किया करें, मैं आपको पहले ही बता दूँ मैं जो जानकारी होता है मेरा, ना मैं किसी के पक्ष में रहता हूँ ना विपक्ष में रहता हूँ, मैं सही जानकारी प्राप्त कराता हूँ, ये नहीं कि फर्जी जानकारी मैं देने के बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अब तीसरी बात ये है कि देखो आपको पता है कि कोर्ट केस के बारे में, तो हाँ सुनने में आया आपका कोर्ट केस डाला जा रहा है। तो देखो पहली बात तो ये, मैं आपको मैंने बोल दिया था कि आप प्लीज़ मुझे पर एलिगेशन मत लगाइए कि मैं रुपए ले रहा हूँ ये ले, मैंने आज तक अपने किसी भी वीडियो में रुपए की बात नहीं की है। मैंने ये तक कहा है कि जब भी आप लोग अपने एक यूनिटी बनाइए, एक यूनियन बनाइए, जब भी जैसे जरूरत होगी मैं अपना आपका सपोर्ट करूँगा, जैसे भी चाहे रुपए से, धन से, तन से, जैसे भी आपकी हेल्प करूँगा, बैस कर एक सही सजेशन दूंगा, एक सही अच्छी दिशा प्रोवाइड करूँगा, इसलिए मैंने ग्रुप भी बनाए थे। लेकिन वही है ना, ग्रुप में कुछ बच्चे ऐड हुए और कुछ बलगर लोग आ गए हैं, वही रुपए वाले, वो उल्टे सीधे अफवाह उठा उड़ा के पूरे ग्रुप बर्बाद कर देते हैं। तो मैं वही बात बोलना चाहूँ, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा भाई देखो ऐसा ही है, इन लोगों का आप जवाब क्यों नहीं देते हैं, जो साइलेंट जो सच में क्लियर बंदा है ना जिसने मेहनत की है वो फालतू की बकवास कर ही नहीं रहा है, वो आके यूट्यूब पे उल्टा सीधे कमेंट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता है जो ये कमेंट कर रहे हैं ना साफ साफ इनके अंदर दिख रहा है, इनके अंदर चोर दिख रहा है कि इनके अंदर डर दिख रहा है कि हाँ इन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं, इसलिए ये भड़बड़ा रहे हैं कहीं री एग्ज़ाम ना हो जाए, कहीं एस आई टी जाँच ना हो जाए, फिर वो चाहे यू पी एस आई का बंदा हो, चाहे आपके लेखपाल का बंदा हो, अन्य वैकेंसी बंदा हो, उसको भी गड़बड़ी कहीं कहीं संदेशा, मतलब उसको डर लगता है कहीं उसकी जांच ना हो जाए, इसलिए वो भड़बड़ा के उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उनकी सोच तो वहीं से पता लग गई ना कि जो उल्टे सीधे बलगर बातें कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अब्यूजिंग कर रहे हैं, तो उनकी ये पता चल गई हाँ भाई ये गलत बच्चे हैं। अगर कायदे से मैं इनकी अभी स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूँ ना, अपने वकील साहब को भेज दूँ ना, तो इनकी भी कायदे से जाँच हो जाएगी। फिर वही है कि अब मैं क्या कहूँ इनसे, क्योंकि मैं किसी को जवाब नहीं देता हूँ, जाहिर सी बात है इनको जवाब वक्त देगा, इनको वक्त जवाब देगा। खैर जो भी आती थी मैंने आपको बता दी क्लियर कि जो मेरे पास कमेंट आते सर ओएमआर सीट का क्या होगा या कोर्ट केस का क्या होगा या ये सारी चीज़ें मैंने सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब बात करते हैं, देखो प्लीज़ हमारे भी जो भी चैनल पर हैं, नए हैं या पुराने हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं बस आपसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको जैसे भी होगा मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, जैसे भी आप लोग एक ग्रुप बनाइए, अपना खुद का एक ग्रुप बनाइए, बस मुझे आप उसमें ऐड कर लीजिए, और जैसे आपको जो भी सहायता की जरूरत होगी, जहाँ पर अगर आपकी फंड की भी जरूरत होगी, मैं कैसे भी कलेक्ट करके आपको दूंगा, ये मैं खुद से बोल रहा हूँ, मैं किसी से मांग नहीं रहा हूँ, ये मैं खुद से आपको हेल्प करूंगा, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो भले ही मेरा यूपी ट्रिपल पेपर पढ़ा नहीं है लेकिन मुझे जानकारी बहुत है, क्योंकि मैं पिछले पेपरों से काफ़ी चीज़ें देखते आ रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद।